उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस ये देखें, आज नैना हमारे घर में रात की इधर थी, तो मैंने कहा नैना की मामा को दिखा दूँ। नैना बैठी हुई है और नैना को मैंने इतनी सारी चीज़ें लेके दी हैं। अभी हम लोग बाइट से आए थे तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ कि नैना चीज़ें वगैरह खा रही है, आप टेंशन ना लो। तो आप लोग शाम को आओगे ना इसको लेने? तो नैना हाय करें सबको। इतना आस्ता जोर से हाय बुमार हो जाता। तो जी ना, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपकी बेटी खुश है। मेरे बच्चे, मैं भी ट्यूशन हम लोग छोड़ के आए हैं, तो हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोगों ने कहा हम छोटा सा ब्लॉग बनाएं, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। और आपने हाय करना है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और मैं छोटू भाई की दुकान से हम लोग अभी आए हैं, कुछ चीज़ें लेके आई थी। कुछ लोगों ने कहा हुआ था क्रीमों का, और काफ़ी दिनों का कहा हुआ था, पैसे भी दे दिए हुए थे, तो लेकिन मुझे बनाने का टाइम नहीं था, तो मैं अभी लेके आई हूँ ये चीज़ें। और ये क्रीमें हैं, और ये मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं प्राइवेट, ठीक है ना? तो वो ये है, अगर आपने बनवानी हो तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मैं बना के देती हूँ, कितने 800 की क्रीम की डब्बी मैं बना के देती हूँ। तो अगर आपने बनानी हो तो आप मुझसे रابطہ करें, और गारंटी के साथ ये कहूँगी कि ये दाग वगैरह, दाने वगैरह जो लड़कियों को हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसका मुझे तजर्बा है कि किसके फेस पे किस तरह की लगनी है, किसके फेस पे किस तरह की लगनी है। और औरतों के लिए थी जो कि शाइयाँ डल जाती हैं, तो वो शाइयों का भी हल है हमारे पास। तो आप ना हमसे रابطہ करें तो इंशाल्लाह आपको क्रीम है हमारी अच्छी लगेंगी, क्योंकि जिन लोगों को हम लोग बना के देते हैं उनको तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे रिजल्ट भी आपको मैं दिखा नहीं सकती। कुछ अभी चीज़ें और भी मैं लेके आई हूँ, ये देखिए झुमके लेके आई थी छोटू भाई की दुकान से, मुझे अच्छे लगे थे मैंने ले लिए। दिखाओ ज़रा, वो भी दिखाऊँ, एयरिंग्स भी दिखाती हूँ। वो ये वाले थे, ये मुझको बताओ नहीं, मैंने लेके दिए हैं। हाँ ये मुझे अक्सर लेके दिए हैं, अक्सर कह रही थी ले लो आपको अच्छे लगे हैं तो ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, काम आ जाएंगे आगे। आपको पता ना बर्थडे आ रही है हम, देखिए ये देखें, और ये भी पैक है ना तो सही से नज़र भी नहीं आ रहा, तो वो खुले ही थे। तो और गाइज आपको सब जो मैंने कल वीडियो बनाई है आप सबको अच्छी लगी ना? कल का भी इवेंट बहुत अच्छा था। और गाइज हाँ जी, तो फ्रेंड्स वो बीच में थोड़ा सा लोग आपको पता है डिस्टर्ब भी कर देते हैं, मेरे घर वाले भी और वैसे भी सारे बच्चे भी। ये हमारी बच्ची मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, कह रही थी मासो फोन बंद करो, डांस करो, और आके ना हम देखिए बर्थडे की रिहर्सल कर रहे हैं, अक्सर ये काफ़ी डांस कर रहे हैं, और मैं तो बिजी थी अभी। तो ये देखें गाइज, ये देखें ये गचक है, तो आप लोगों ने खानी है, बड़ी मज़े की है ये। अभी मैं लेके आई थी बाहर से, मैंने कहा अक्सर ये लो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और साथ में ये वाले चिटस खा रही थी, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यमी वाले लगते हैं, बड़े मज़े के हैं। बच्चों वाली चीज़ें कभी कभी दिल करता है ना खाने के लिए, तो फिर हम लोग जब भी जाते हैं ना छोटे भाई की दुकान पे तो हम लोग लेके आते हैं अपनी सारी चीज़ें बच्चों को ट्यूशन छोड़ के, वरना बच्चे साथ हो तो बच्चों ने खा लेनी है। तो बच्चे जब आते हैं तब हनी साहब की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को चीज़ें लेके देनी, तो इसलिए हम अब भी गए तो हम लोग, नैना भी थी और नैना को हमने चीज़ लेके देनी थी सुबह की। उसने कुछ भी नहीं खाया था, नहीं चीज़ वगैरह नहीं खाई जो बच्चों की होती ना हसरत, जाहिर सी बात है। तो हमारे घर में कोई था नहीं तो इसलिए ये भी नहीं गई, ये भी लेटी रही। तो अभी मैंने कहा आ जाओ आपको मैं ना बाहर से सैल करवा के लाऊं और आपको चीज़ वगैरह भी लेके दूं। तो नैना मज़ा आया आपको? हाँ बहुत मज़ा आया, मामा को तो नहीं मिस कर रही? एले को जोर से बोलो, नै परी को, और नैना किसी को मिस नहीं कर रही, क्योंकि ये इनका दिल बहुत ज़्यादा, सब बहन भाइयों का इनका दिल बड़ा ज़्यादा मुझसे लगा रहता है,
ये कहते हैं आप हमारी बेस्ट मासो, तो इसलिए ये मेरे घर में भी आते हैं, मेरे बच्चे भी इनके घर जाते हैं, रह के आते हैं। वो लोग गए थे हफ्ते वाले दिन और संडे वाले दिन वापस आ गए थे, और ये भी कल आ गई थी हमारे साथ ही। तो आज इसका स्कूल भी मिस हो गया, और उसकी मामा मुझे डांट कर रही थी कि आप उसको ले गए हो तो देखो उसने स्कूल ही जाना। मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, एक छुट्टी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। तो आज उसकी छुट्टी हो गई है। तो आप स्कूल को तो नहीं मिस कर रहे थे? नहीं ना, बच्चे तो कहते हैं छुट्टियां हो। और ये देखिए गाइस, ये मैंने नेल पेंट लगाए थे, अच्छी लग रही है, काफी दिनों बाद लगाए हैं। स्कूल लगाई है? नहीं, वो वैसे मैंने कल लगाई थी, और अच्छी लग रही है ना। और मैं फैशन थोड़ा सा कम करती हूँ, वैसे ही खुदा का शुक्र है कि खुदा की रहमत है हम पे। अच्छा तो चले गाइस, ये देखें अब हम लोग ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि मैंने अभी बनानी है किसी की क्रीमें, तो मेरे पास टाइम नहीं है। उसने 6 बजे आके और लड़की ने ले जानी है, तो अभी हम शाम को मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।